गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोडोफाइसिक है। क्लास रोडोफाइसिक का एक मेंबर है पॉलीसिफोनिया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रोडोफाइसिक के बारे में आपको बताया जा चुका है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भूल गए होंगे, रिपीट करा देते हैं एक बार। कुछ मुख्य बातें, हेडिंग लिखिए पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया, एक मिनट बच्चों। सबसे पहले रोडोफाइसी, क्लास है इसकी रोडोफाइसी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया ठीक, पॉलीसिफोनिया पढ़ने जा रहे हैं। क्लास रोडोफाइसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? रेड एल्गी। रेड एल्गी पढ़ेंगे हम लोग पॉलीसिफोनिया के बारे में। रोडोफाइसी की खास बात यह है इसके पिगमेंट्स, कौन कौन से इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं? आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाएगा। इसमें जो पिगमेंट पाया जाएगा रोडोफाइसी के सभी मेंबर्स में, आर फाइको साइनिन एंड आर फाइको इरिथ्रीन। आज से आप लोगों की क्लासेस में अटेंडेंस शुरू हो जाएगी। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो चैट बॉक्स में उस टाइम पर आप लोग अपना नाम और आगे यस सर लिख करके भेज देंगे, इससे आपकी अटेंडेंस यहाँ ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगी। लेकिन वो तभी एक्टिवेट होगा जब मैं आप लोगों से यहाँ कहूँगा, तब मैं यहाँ बटन दबा दूँगा, वहाँ एक्सेप्टेंस चालू हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए आप लोग मौजूद रहिए। पिगमेंट है आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको एरिथ्रिन। जो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाएगा वो क्या बताया गया था आप लोगों को, कुछ किसी को याद है? किसी को पता है रिजर्व फूड मटेरियल रोडोफाइसी के मेंबर्स में क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक। अब रोडोफाइसी को पढ़ाई के दृष्टिकोण से क्लासिफाई अगर कर लिया जाए तो रोडोफाइसी आगे चल करके दो ऑर्डर में बढ़ जाएगा। ऑर्डर वन जो प्रिमिटिव मेंबर्स को कैरी करेगा, बेंजीओईडी। ऑर्डर टू फ्लोरिडी। बेंजीओईडी प्रिमिटिव मेंबर्स को कैरी करता है या होल्ड प्रिमिटिव मेंबर्स, एडवांस मेंबर्स को कैरी करेगा, होल्ड एडवांस मेंबर्स। प्रिमिटिव मेंबर्स इसके सॉरी स्टूडेंट, यहां पे ऑर्डर की जगह पे सब क्लास रहना चाहिए था, सब क्लास को फिर ऑर्डर में बदला जाएगा। सब क्लास, यहां भी सब क्लास,
ठीक है। बेंजियोइडी को एक ही ऑर्डर में बांटा गया है, वह है बेंजियोइडल्स। सिर्फ सिंगल ऑर्डर में बदला गया है, ऑर्डर वन। लेकिन फ्लोरिडी को छह ऑर्डर्स में बदला गया है, बांट दिया गया है, डिवाइडेड इन सिक्स ऑर्डर्स। डिवाइडेड इन सिक्स ऑर्डर्स, ठीक। उसी में एक ऑर्डर है, छठवां ऑर्डर इसका, सीरेमिनेल्स। इस ऑर्डर में ही रखा गया है पॉलीसिफोनिया को, ठीक। यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखवाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, अब पॉलीसिफोनिया के थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसा दिखता है। थैलस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसिफोनिया, कुछ बातें और बता दें आपको पॉलीसिफोनिया के थैलस के बारे में। पॉलीसिफोनिया जो है वो लिथोफिटिक स्पीसीज मोस्टली पाई जाती है। लिथोफिटिक का मतलब होता है वह सभी ऑर्गेनिज्म जो रॉक पे पाया जाए, जो जमीन पर पाया जाए, ठीक, रॉक्स पे पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पॉलीसिफोनिया आर लिथोफिटिक, लिख लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ पॉलीसिफोनिया आर लिथोफिटिक। अटैच ऑन रॉक्स, ब्रैकेट में इसका मतलब होगा। अटैच ऑन रॉक्स, ठीक। कैसा दिखेगा देखिए, इट हैज टू सिस्टम। कौन कौन सा? ए प्रोस्ट्रेट सिस्टम, जो जमीन पे क्षैतिज चल रहा है, प्रोस्ट्रेट सिस्टम। बी इरेक्ट सिस्टम। दो पाया जाएगा। क्या होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम? सपोज करिए ये एक रॉक है, क्या है ये, क्या बनाया गया है ये फिगर, रॉक है। इस रॉक पर चिपका हुआ, ये जो चिपका हुआ स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे प्रोस्ट्रेट सिस्टम। क्षैतिज चिपक गया है, देख रहे हो ना बच्चों, क्षैतिज चिपक गया है ये, इसको कहेंगे प्रोस्ट्रेट सिस्टम। पूरे जीवन भर आपसे ये एल्गी के विषय में जब भी पढ़ेंगे आप, प्रोस्ट्रेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम में कंफ्यूज मत होइएगा। इरेक्ट मतलब खड़ा, प्रोस्ट्रेट अगर इरेक्ट सिस्टम मौजूद है तो प्रोस्ट्रेट भी कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा,
चिपका हुआ पोर्शन, हाँ सब में नहीं पाया जाता प्रोस्टेट ओरियक सिस्टम, कुछ में पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर ये सिस्टम पाया जाएगा वहाँ पर प्रोस्टेट सिस्टम सरफेस से चिपक जाएगा। चिपकाने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर बताऊँगा कैसे चिपकता है। प्रोस्टेट सिस्टम है तो फिर इरेक्ट सिस्टम भी होगा, और पॉलीसिफोनिया के केस में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाएगा, इस सेंट्रल एक्सिस से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। पूरी वीडियो YouTube पे चली जाएगी, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर थैलस का जो स्ट्रक्चर चिपका हुआ है रॉक से, उसे कहेंगे प्रोस्टेट सिस्टम। जो बचा हुआ इरेक्ट सिस्टम है, यानी जो खड़ा है वो इरेक्ट सिस्टम है, इरेक्ट सिस्टम। ठीक, इरेक्ट सिस्टम है। कभी आप लोगों ने गौर किया हो, कार में या बस में, आमतौर पे कार में ही, मोबाइल को टांगने के लिए स्क्रीन पर एक डिस्क जैसी संरचना दिखाई देती है, कार क्रेडल बोलते हैं। अगर आप अमेजोन पे सर्च करेंगे कार क्रेडल तो आ जाएगा, एक डिस्क जो है कुशन टाइप स्ट्रक्चर होता है, आगे उसमें नॉच लगा रहता है जो पकड़ लेता है मोबाइल को, पीछे एयर कुशन से चिपक जाता है विंड स्क्रीन पर। तो चूंकि नेचर ने लेई से तो चिपका नहीं सकते हैं, लेई से तो चिपकाएंगे नहीं, इसके लिए चिपकने के लिए कुछ क्रेडल टाइप का ही एक स्ट्रक्चर नेचर ने इसको दिया है। इसके प्रोस्टेट सिस्टम में, प्रोस्टेट सिस्टम में मल्टीपल राइजॉइड्स पाए जाएंगे। ये जो यहां दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां पर ये राइजॉइड्स हैं जिसकी सहायता से क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। किससे चिपक जाएंगे? सबस्टेटम यानी रॉक से चिपक जाएंगे। मल्टीपल राइजॉइड, बहुत सारे राइजॉइड्स पाए जाएंगे। अब हर एक राइजॉइड में एक डिस्क जैसी संरचना पाई जाएगी। सपोज करिए एक पतला सा राइजॉइड आया हेयर लाइक, तो नीचे जो एरिया टच करेगा रॉक को, उस एरिया में एक डिस्क जैसी संरचना पाई जाएगी, डिस्क। और पॉलीसिफोनिया के केस में राइजॉइड के टिप पर जो डिस्क जैसी संरचना पाई जाएगी, उस डिस्क संरचना को कहेंगे अटैचमेंट डिस्क, ATTACHMENT, अटैचमेंट डिस्क। अब सपोज करिए ये प्रोस्टेट सिस्टम ऐसे बिखर रहा है, इससे राइजॉइड लटका, उस राइजॉइड में डिस्क जैसी संरचना हुई, वो डिस्क जैसी संरचना क्या कहेंगे, अटैचमेंट डिस्क। ठीक है, अटैचमेंट डिस्क कहेंगे। अब हैविंग अटैचमेंट डिस्क, इसको लिख लीजिए बच्चों, फिगर बना लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने, अब दिखाएं। प्रोस्टेट सिस्टम से एक एक्सिस निकलेगी जिसे कहेंगे सेंट्रल एक्सिस। ठीक, मिटा रहे हैं बच्चों इसे।
लिख लीजिए, प्रोस्टेट सिस्टम, सिस्टम गिव्स राइज, माने देता है, गिव्स राइज मल्टी एक्सियल इरेक्ट थैलस। मल्टी एक्सियल माने कई एक्सिस होंगे इसके, मल्टी एक्सिस, मल्टी एक्सियल इरेक्ट सिस्टम ऑफ द थैलस, इरेक्ट सिस्टम ऑफ द थैलस। ठीक, सबको क्लियर दिख रहा है? ठीक है, प्रोस्टेट सिस्टम गिव राइज मल्टी एक्सियल इरेक्ट सिस्टम ऑफ द थैलस। अब जो मल्टी एक्सियल इरेक्ट सिस्टम है उसके भी कुछ हिस्से होंगे। इरेक्ट सिस्टम के, इरेक्ट सिस्टम में हैज एक सेंट्रल एक्सिस, हैज सेंट्रल एक्सिस, चौक ले लें, हैज सेंट्रल एक्सिस जिसे हम लोग सेंट्रल साइफन बोलेंगे। इस सेंट्रल एक्सिस को घेरे हुए पेरी सेंट्रल एक्सिस होगा जिसे पेरी सेंट्रल साइफन बोलेंगे। ठीक, सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल साइफन, बाहर की तरफ इसको घेरे हुए है पेरी सेंट्रल साइफन। ठीक, और पेरी सेंट्रल साइफन को घेरे हुए रहेगा बहुत सारी लेयर में बना हुआ, कई लेयर में बना हुआ कॉर्टिकल सेल्स। अगर हम इसे गोलाई में घेर दें तो आप लोगों को यह दिख रहा होगा, व्हाइट इन कलर होगा सेंट्रल साइफन, सेंट्रल साइफन एस आई पी एच ओ एन साइफन। जो ब्लू इन कलर है वो है पेरी सेंट्रल साइफन, पेरी सेंट्रल साइफन। और पेरी सेंट्रल साइफन के बाद मल्टी लेयर्ड कॉर्टिकल सेल्स विच सराउंड पेरी सेंट्रल साइफन। तो यहां लिख दीजिए जो पिंक इन कलर में लिखा जा रहा है बच्चों, कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टिकल साइफन, कॉर्टिकल सेल्स। तो इरेक्ट सिस्टम के तीन पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला जो सेंटर में है सेंट्रल साइफन, उसके बाद पेरी सेंट्रल, इरेक्ट को घेरे हुए पेरी सेंट्रल साइफन, और कार्टिकल सेल्स सबसे बाहर की तरफ मल्टी लेयर में पाई जाएगी। ठीक है, बना लीजिए। बन गया बच्चों, बन गया? चल चल। जो मेन एक्सिस है थैलस का, उससे कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, देखते हैं। मेन एक्सिस से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, देखते हैं कौन कौन से। मेन एक्सिस, मेन एक्सिस बियर, बियर टू टाइप ऑफ ब्रांचेस, टू टाइप ऑफ ब्रांचेस।
ठीक है, टू टाइप ऑफ ब्रांचेस। पहला है शॉर्ट ब्रांचेस या शॉर्ट ब्रांचेस हो गई, या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। चलो बच्चों, शॉर्ट ब्रांचेस, उसके बाद हो गया लॉन्ग ब्रांचेस। शॉर्ट ब्रांचेस आर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, इसको ट्राइकोब्लास्ट भी कहेंगे। ट्राइकोब्लास्ट भी कहते हैं। ये मेन एक्सिस से निकलती है, मेन एक्सिस से निकले रहेगी, स्पाइरली अरेंज होगी, अरेंज्ड इन स्पाइरल मैनर। ठीक। अब जहां से 60 ब्रांचेस निकल रही हैं, मेन एक्सिस पे 60 ब्रांचेस जहां से निकल रही हैं, वहीं से बीच से लॉन्ग एक्सिस भी निकलेगी, ठीक बेसल पोर्शन से। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पोर्शन ऑफ द ट्राइकोब्लास्ट आर शॉर्ट ब्रांचेस। ट्राइकोब्लास्ट, ठीक, दो तरह की ब्रांचेस होगी, पता चल गया आपको। हटा रहे हैं बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पॉलीसिफोनिया के जो सभी सेल्स आपको दिखेंगे, सेंट्रल साइफन, पेरी सेंट्रल साइफन, बाहर की तरफ जो मल्टी लेयर कॉर्टिकल सेल है, वो सभी सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं ट्यूब कनेक्शन से, जिसका नाम है पिट कनेक्शंस। बहुत अच्छा कैरेक्टर है पिट कनेक्शंस। फ्लोरिडी के मेंबर में ही पाया जाएगा, बेंजोइडी के मेंबर में नहीं पाया जाएगा। फ्लोरिडी और बेंजोइडी जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको बता दूँ कि वो सब क्लासेस हैं, किसके, रोडोफाइसी के। बेंजियोडी में ऐसा नहीं पाया जाता है, फ्लोरिडी में ऐसा पाया जाता है, पिट कनेक्शंस पाए जाएंगे। पिट कनेक्शन का क्या फ़ायदा होगा, रिजर्व फूड मटेरियल, न्यूक्लियस एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से मूव कर सकता है। एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए, अगर हम इसे कहेंगे सेंट्रल साइफन, तो इसको बाहर से घिरे हुए कौन घिरा हुआ है बताएगा, कौन बताएगा हमें, बताइए क्या है ये। अच्छा, इसके बाहर की तरफ क्या बना दें, कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा ही बना देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ पिट कनेक्शंस दिखाने हैं। ये सभी सेल्स आपस में पिट कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। क्या है ये, पिट कनेक्शंस। पिट कनेक्शंस से जुड़ गए हैं, ठीक है, बना लीजिए इसे। बच्चों बन गया, बना लीजिए।
ठीक है। अब आइए इसके रिप्रोडक्शन के विषय में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के संदर्भ में तीन शब्द बच्चों आपके बीएससी लेवल पे जानना आवश्यक है, वही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखिए, पहला है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। बोथ अकर द प्लांट बॉडी ऑफ पॉलिसिफोनिया इज डिप्लॉयड, मेनली द प्लांट बॉडी ऑफ पॉलिसिफोनिया इज डिप्लॉयड। जब हम एसेक्सुअल करेंगे, बात करेंगे एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय टेट्रास्पोर फॉर्मेशन, किसके द्वारा होता है? परफॉर्म बाय टेट्रास्पोर, टेट्रा स्पोर के बारे में लिखिए। लिख लिया बच्चों, आइए अब टेट्रास्पोर बना। टेट्रास्पोर बनता है टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर, फॉर्म इनसाइड टेट्रास्पोरेंजिया टेट्रास्पोरेंजिया। मोस्ट ऑफ द केस में हमें पॉलिसिफोनिया जो है डायोसियस फॉर्म में मिलता है। डायोसियस का मतलब मोस्टली पॉलिसिफोनिया इज डायोसियस। डायोसियस का मतलब मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग पाए जाएंगे, मेल सेक्स ऑर्गन अलग पाया जाएगा अलग प्लांट में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट, एक ही में पाया जाएगा तो उसे मोनोईसीएस कह देते हैं, यह है डायोईसीएस। जहां मेल पाया जाएगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे स्पर्मेटेंजिया, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनिया, समराइज कर दूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? टेट्रास्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। टेट्रास्पोर किस में बनेगा? टेट्रा स्पोरोफाइट में बनेगा, टेट्रास्पोरेंजियम में बनेगा। डिप्लॉयड प्लांट पे टेट्रास्पोरेंजियम बन जाएगा, उसमें स्पोर बन जाएगा, वो स्पोर लिबरेट होगा और जाकर के एक नया थैलस डेवलप कर देगा। ये है एसेक्सुअल पार्ट। जब हम सेक्सुअल पार्ट की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान देना होगा कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते कहाँ हैं। मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन डायोसियस हैं तो बनेंगे दो अलग अलग थैलस में, मेल थैलस अलग होगा, फीमेल थैलस अलग होगा। अब मेल सेक्स ऑर्गन जहाँ जिस पे बनता है उसे कहेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, कहेंगे एंथ्रीडिया आर स्पर्मेटेंजिया, जो स्पर्म बना है वो स्पर्मेटेंजिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा कार्पोगोनिया में, ठीक। यहाँ से मेल सेक्स या गैमीट्स जो हैं, मेल गैमीट्स जो हैं रिलीज होंगे,
किससे? स्पर्मेटेंजिया से रिलीज होंगे। ध्यान दीजिएगा, एनी मोटाइल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ पॉलीसिफोनिया। कोई मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती हैं पॉलीसिफोनिया के केस में, ठीक। नो मोटाइल सेल्स आर फाउंड इन पॉलीसिफोनिया। तो मेल गैमिट कैसे पहुंचेगा यहां तक, फीमेल तक? बाय वाटर करंट, जल धारा से पहुंच जाएगा, पानी के पास है, धारा आएगी और ले बहा करके ले जाएगी कहां तक? कार्पोगोनिया तक। अब कार्पोगोनिया के ठीक ऊपर एक स्टिकी नॉच होता है जिसे कहेंगे ट्राइकोगाइन, ट्राइकोगाइने। ट्राइकोगाइने पे जा करके मेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल गैमिट जो है जाके चिपक जाएगा। ट्राइकोगाइन के पाइप से होते हुए ये कार्पोगोनिया तक पहुंच जाएगा। कार्पोगोनिया में होंगे एग, एग से वो फ्यूज हो जाएगा। जब फ्यूजन हो जाएगा एग से तो बनेगा जाइगोट, बनेगा जाइगोट। जाइगोट होगा 2N। कैसे? 2N तो प्लांट बॉडी था। जब सेक्स ऑर्गन बने हैं तो सेक्स ऑर्गन मियोसिस के द्वारा बने हैं, अतः जो मेल गैमिट है वो N है, जो फीमेल गैमिट होगा वो भी N होगा। जब मेल का स्पर्मेटेंजिया से मेल गैमिट जो निकला वाटर करंट के थ्रू पहुंचा कार्पोगोनिया तक बीइंग थ्रू ट्राइकोगाइने, अब यहाँ पहुंच के क्या गया? जाइगोट बना दिया। जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस के द्वारा डिवाइड कर जाएगा। क्या करेगा? मियोसिस के द्वारा डिवाइड कर जाएगा। मियोसिस होगा इसमें, मियोसिस होने से क्या होगा? फिर से ये एन बनेंगे और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको यहां तक बनाइए फिर बताते हैं।